ट्रांसलेशन के कुछ और आसान नियम, अनुवाद के कुछ और आसान नियम के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए अनुवाद के लिए पैसेज मैं रोज दे रहा हूं और मैं चाहता हूं आ जाइए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए। मेरा कोई निहित स्वार्थ नहीं है क्योंकि मैंने देखा आप लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें बहुत कम है, इसलिए मैं वहां भी स्लो हो गया हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है क्या ऑनलाइन जो लोग हैं? अनुवाद करते रहे हैं लेकिन अनुवाद के नियम पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे, थोड़ी चर्चा किए थे, आज मैं उसको बढ़ाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, याद होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था मैंने कि वर्ब में ता है ती है का प्रयोग होता है, राम खाता है, नहीं बताया था? तब नहीं बोल रही हूँ, बताया था बावजूद, और इसका मैंने रूल बताया था कि वर्ब में यस या यस लगेगा, किसमें लगेगा? ये सिंगुलर वर्ब होगा उसमें लगेगा, मतलब वर्ब अगर अकेला है इसमें भी आई और यू छोड़ करके, याद है आप लोगों को? ऑनलाइन जो लोग याद हैं, बावजूद इसके आप लोग जब अनुवाद कर रहे हैं तो ये आपकी आदत में नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है मुझे बताएं? देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे राम खाता है, खा उसमें ता जुड़ा, मतलब वर्ब का मतलब हो गया क्रिया, क्रिया में अगर ता ते ती का प्रयोग आप देखते हैं, राम खाता है, यहाँ था नहीं है, अभी है की बात कर रहा हूँ, क्रिया में अगर ता ते ती जुड़ा हुआ है तो जब उसका अनुवाद करेंगे, ये सिंगल वर्ब है, सिंगल मतलब सिंगुलर, एक वचन, एक वचन में क्या आता है? हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, इसका मतलब आदमी का नाम, कोई भी नाम एक वचन में आ जाएगा, एक व्यक्ति, वन पर्सन टू पर्सन, तो सिंगुलर वर्ब होगा, उसमें यस या यस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जैसे राम खाता है, इसको मिटाता हूं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? राम ईट्स, राम ईट, क्योंकि राम एक वचन है, अगर राम की जगह हम कह देते हैं वी, वी मतलब एक से अधिक है, तो वी ईट्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, वी ईट लिखना पड़ेगा। और यही मैंने बताया कि सिंगुलर वर्ब जो है उसमें यस या यस का प्रयोग होता है, प्लूरल में नहीं। अब इसी आधार पर रखना है कि अगर वर्ब में ता देती है तो आप उसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे, विशेष रूप से इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे राम इज ईट्स, सही है? अगर मैं लिखूं राम इज ईट्स, राम इज, सही है नहीं है? इस तरह का प्रयोग करने से बचें, बार बार आप लोग ऐसी गलती कर रहे हैं मैं देख रहा हूं, और वह कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा, हाजमा खराब करेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब ये प्रेजेंट का है, अब पास्ट की बात करें, पास्ट की बात में भी बहुत गलती हो रही है, जैसे मान लीजिए राधा गई, क्योंकि बार बार इसलिए बताना पड़ रहा है ना कि आप लोग इसको ध्यान देंगे तभी आपका सुधरेगा। राधा गई, और राधा गई है, दो वाक्य लिख रहा हूं, ये पास्ट टेंस में आता है। मैंने आप लोगों को काल पढ़ाया था ना, या है या नहीं है? जो लोग नए हैं एक दो दिन से उनको नहीं पता होगा, अदरवाइज मैंने काल आप लोगों को बढ़िया विस्तार से समझाया था, और काल के दौरान बात नहीं करिए, काल के दौरान मैंने आपको बताया था ये राधा गई और राधा गई है दोनों का अनुवाद क्या होगा, तो राधा है, राधा है वेंट, राधा, राधा है गॉन, दोनों के लिए राधा है गॉन, दोनों के लिए। ऑनलाइन जो लोग हैं बताएं, तो ऊपर के लिए राधा, नीचे वाले के लिए, ऊपर के लिए राधा वेंट, राधा वेंट, ठीक है, ऊपर के लिए राधा वेंट हैज गॉन नहीं लगेगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है, और नीचे वाला जब है लग गया तो यहाँ हैज गॉन का प्रयोग होगा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग जब अनुवाद कर रहे हैं, क्योंकि मैं अनुवाद से ही संबंधित आज की बात करूंगा,
जब हम अनुवाद करने जा रहे हैं तो राधा गई, मान लीजिए मैंने चली गई लिख दिया, राधा चली गई, तो अमूमन हम लोग ये राधा इज गॉन का प्रयोग करते हैं। अब आप स्वयं सोचिए इस तरह का प्रयोग करेंगे तो सही प्रयोग हो रहा है गलत हो रहा है। आपको सिर्फ इन बारीकियों पर ध्यान देना है। आपका अनुवाद बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आप लोगों की गाड़ी यहां आके फंस रही है। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। हिंदी में कौन सा काल है ये? राधा चली गई है, राधा चली गई और चली गई है, दोनों भूतकाल में है। इसमें आसन्न भूत कौन सा है? आसन्न की अभी निकली है, तो आसन्न भूत जो है उसका अनुवाद हैज गॉन, हैज लगा के हैज या हैव लगेगा, और यही अगर आपका था थे थी में है तो हैज की जगह हैड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, हाँ दो बार गो नहीं लगेगा ना, राधा गोविंद लगेंगे, जैसे बोलते हैं गया गया गया, जैसे एक है गया गया गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे? वेंट वेंट वेंट, गया वेंट गॉन, गया वेंट, गया वेंट कहाँ? गया वेंट गया, गया वेंट के बाद टू लगाएंगे, गया वेंट टू गया, इसको गॉन 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 नहीं कहेंगे, ठीक है, बाद में चेस जोड़ना पड़ेगा गॉन केस, या फिर गो 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 ऐसे नहीं लिखेंगे। तो इस चीज का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास जो ये बोला गया है वाक्य उसमें है लगा हुआ है तभी आप उसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक और वाक्य लेते हैं, राधा आएगी, ये आवेगी लिखूं तो कैसा रहेगा? राधा आवेगी, भाषा के हिसाब सही है, ये कहाँ का आपको है? ये ब्रज भाषा में है, ये आवेगी जावेगी, आवोगो जाओगो, ब्रज भाषा में आवेगी जावेगी और आओगो जाओगो राजस्थान में चल जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा के अनुसार यह गलत है, राधा आएगी, क्या लिखेंगे इसका? अब यहाँ शैल या विल का प्रयोग होता है, हालांकि आजकल मैंने देखा है कि लोग ये जो विल है विल का प्रयोग आई के साथ भी करते हैं, यू के साथ भी करते हैं, ग्रामेटिकली ये 90% गलत है। जैसे मैं जाऊंगा, क्या लिखते हैं? आई विल गो, जबकि शैल का प्रयोग होना चाहिए, आई शैल गो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग शैल को भूलते जा रहे हैं, और मुझे लगता है एक समय ऐसा आएगा कि हिंदी ग्रामर में बदल के ये शैल वाला शब्द हटा देना पड़ेगा। चलिए एक और वाक्य देते हैं, सर दोनों में क्या अंतर है सर? देखिए शैल जो है, शैल आई की बपौती है, जैसे बोलते हैं ना ये लाल टी शर्ट मेरी है, वो फिल्म में बोले थे मेरे पास क्या है? माँ है, तो वैसे ही आई के पास क्या है? शैल है, शैल का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हम लोग धीरे धीरे आई के साथ शैल ना करके विल लाते जा रहे हैं, हो सकता है जनता का ओपिनियन हो तो आगे चल के हट जाएगा। जैसा हूं आई, देखिए माई फ्रेंड इज गोइंग टू लाहौर, बात नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, एल एच ओ आर ई, आई एम टू सी हिम ऑफ, लिखिए इसको, माई फ्रेंड इज, वाक्य लिखिए माई फ्रेंड इज गोइंग टू लाहौर। अब कौन से फ्रेंड गए? आपको पता होगा सनी देओल गए थे वहां नल उखाड़ने के लिए, ठीक है, माई फ्रेंड इज, अरे गाना भी है ना, मैं निकला गड्डी लेके वहीं से तो लाया हूँ, माई फ्रेंड इज गोइंग टू लाहौर, आई एम टू सी हिम ऑफ, आई एम टू सी हिम ऑफ, माई फ्रेंड इज गोइंग टू लाहौर, आई एम टू सी हिम ऑफ, एक वाक्य, एक और वाक्य लिखते हैं, माई फ्रेंड्स
माय फ्रेंड्स फादर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है, कितना दिख रहा है? गोइंग टू कट रहा है, गोइंग का आई एन तक दिख, गोइंग का आई एन, ठीक है मैं इतना ही लिखूंगा, ठीक है। यहाँ यहाँ से दिख रहा है, लेफ्ट साइड में लाहौर दिख रहा है, लाहौर का है जी सर, जी सर जी। बस इतने में ही मैं लिखूंगा, ये लाइन लिख लिया तो मैं मिटा, अच्छा मिटाऊंगा नहीं। माई फ्रेंड्स फादर फादर इज गोइंग फॉर सर्जरी, गोइंग फॉर सर्जरी, सर्जरी, आई एम टू गो, काला ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है, इसको साइज छोटा करूं क्या? आई एम टू गो टू, कैपेसिटी कम हो गया, ठीक है। आई एम टू गो अलोंग विथ हिम, आई एम टू गो अलोंग विथ हिम, दो तरह का वाक्य दिया मैं, लिख लीजिए। My friend is going to Lahore. I am to see him. दूसरा वाक्य है, My friend's father is going for surgery. I am to go के बाद to नहीं होगा. I am to go along with him. अब इन दोनों वाक्यों का आप अनुवाद करें, करिए हिंदी करिए, अरे उसमें करिए, हाँ वेरी गुड, कर लिया आप लोगों ने, बोलिए क्या होगा मिस्टर राव, क्या होगा पहले वाक्य का अनुवाद? मेरा मित्र लाहौर जा रहा है, मैं उसे छोड़ने जाऊंगा, वेरी गुड, या मुझे उसे छोड़ने जाना है, वेरी गुड। दूसरा वाक्य, माय फ्रेंड फादर इज गोइंग फॉर सर्जरी, आई एम टू गो अलोंग विथ हिम, दोनों वाक्यों में कोई एक वाक्य गलत है, एज पर रचना कोई एक वाक्य गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा? सेकंड वाला, क्या गलती है उसमें? एक एक कर दो, बोले क्या गलती है सेकंड वाक्य में? आई विल होगा, वेरी गुड, आई विल होगा, क्यों भाई? आई शैल क्यों होगा, शैल और विल क्यों होगा? ऑनलाइन जो लोग हैं वो भी जरा गौर फरमाएं। आपके फुर कहाँ है प्रभु? देखिए अभी अभी अजय जी ने इसके लिए एक अच्छा उदाहरण दिया और वो उदाहरण मैं तो समझ नहीं पाया, कारण क्या है? अधिकांश हम में से, हमने भी ऐसे ही था कभी, मैं अलग नहीं हूँ आपसे, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, अगर गलत बोलूँ क्षम्य है। देखिए समस्या कहाँ है कि हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी रट लिए हैं, लेकिन जब बनाना होता है तो हम उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए अलजेब्रा में फेल हो जाते हैं। देखिए दोनों तरह के वाक्यों में समानता है, My friend is going to Lahore. I am to see. सर दोनों वाक्यों में लगभग एक ही कहानी, ध्यान दीजिएगा, भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाता हूँ। My friend is going to Lahore. मेरा दोस्त लाहौर जा रहा है, मुझे उसे विदा करने जाना है या छोड़ने जाना है, नहीं जाऊंगा तो फ्रेंड चला जाएगा, अकेले नहीं जाएगा, अरे हमारी फ्रेंड तो आई नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तो इसलिए यहाँ एम टू का मतलब होता है आई मे गो और मे नॉट गो। ये जो एम टू का प्रयोग किया जाता है इसमें मे और मे नॉट दोनों का प्रयोग होता है, मे और नॉट बात मत करें, आई एम टू का जहां प्रयोग हुआ है वहां मे और मे नॉट दोनों है, अगर मन किया तो गया और नहीं किया तो नहीं गया। लेकिन जो दूसरा वाक्य, माई फ्रेंड्स फादर इज गोइंग टू गोइंग फॉर सर्जरी, सर्जरी का मतलब होता है उनका ऑपरेशन होगा किसी चीज का, चाहे किसी भी चीज का हो, जब आदमी का ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसे डर लगता है,
और ये लगता है कोई अपना साथ में रहे, इसलिए क्योंकि पिताजी का ऑपरेशन है दोस्त के, वहां मेरी उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पे अगर आप आई एम टू गो लिखते हैं तो यह वाक्य में गलत प्रयोग होता है। यहां आपको प्रयोग करना है आई हैव टू गो, और अगर आपने यहाँ आई हैव का प्रयोग नहीं किया तो ये वाक्य गलत होता है। दूसरा एक वाक्य और देता हूं, क्लियर है, समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया?